हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल में। तो दोस्तों, जैसे हमने कल आपसे वादा किया था कि कल से आपकी एक टाइम टेबल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो दोस्तों अभी सुबह के आपके 10 बजे हैं और दोस्तों आपकी क्लास करंट अफेयर की तैयार है। तो दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ आप सभी के लिए लेकर हमेशा आते रहते हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए अपनी करंट अफेयर की क्लास। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस जो करने वाले हैं वो हैं भारत के प्रमुख संगठन एवं मुख्यालय। दोस्तों, जितनी भी मैं आपकी करंट अफेयर्स की क्लास करवा रहा हूँ दोस्तों, वो आपकी स्पीडी को देखते हुए मैं आपको दोस्तों करवा रहा हूँ और प्रोवाइड करवा रहा हूँ। देखना, आपके पास एक दिन लगभग 30 से 35 या 30 दिन लगभग आपकी पूरी स्पीडी आप लोगों की तैयार हो जाएगी। कितनी क्लासेस हो चुकी हैं अभी तक स्पीडी से, वो सभी लोग जाकर लिंक पे नीचे देख जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है उन सभी क्लासेस का, आप लोग वहां पर जाके जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भारत के प्रमुख संगठन एवं मुख्यालय। तो दोस्तों, नीति आयोग सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो दोस्तों क्या है आपका नीति आयोग। तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी दोस्तों 1 जनवरी 2015 को, और नीति आयोग का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है आपका कहाँ, नई दिल्ली में। मतलब क्या समझे आप, बीच में जो मैंने लिखा है दोस्तों वो है आपकी स्थापना वर्ष, और जो आपके शहरों के नाम लिखे हैं दोस्तों आपके, वो हैं उनके मुख्यालय। मतलब किस चीज का मुख्यालय दोस्तों आपका कहां पर है, ठीक है। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015, सभी लोग बिल्कुल एयरफोन लगा के मेरी बात को सुनेंगे और नोट करेंगे मेरे साथ में, आप लोगों को यही चीज याद हो जाएगी, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो नीति आयोग की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को, और नीति आयोग का मुख्यालय दोस्तों कहां है आपका, नई दिल्ली में है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका सेबी। तो सेबी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 12 अप्रैल 1992 में हुई थी, और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है आपका, मुंबई में है। किस चीज़ का दोस्तों, सेबी का। सेबी की स्थापना कब हुई थी, 12 अप्रैल 1992 में, और उसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है आपका, मुंबई में है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ERDAI, या इसको इरडा भी कहते हैं, इरडा। तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है दोस्तों आपका, हैदराबाद में है, ठीक है। इरडा का 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है आपका, हैदराबाद में है इरडा का, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट है आपका ट्राई। दोस्तों नेक्स्ट है क्या आपका, ट्राई। ऐसे एग्जाम में पूछेगा दोस्तों आपका, दे देगा कि नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, उसमें दे देगा 1 जनवरी 2015, 12 अप्रैल 1992, 20 फरवरी 1997 या 12 जुलाई 1982। तो इसमें आप लोग क्लिक करेंगे 1 जनवरी 2015। क्लियर है सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्राई। तो ट्राई की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को, ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है आपका नई दिल्ली में। ट्राई की स्थापना कब हुई थी, 20 फरवरी 1997 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। दोस्तों सबसे फेमस क्या है आपका, नाबार्ड। तो नाबार्ड की जो दोस्तों आपकी स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों आपकी 12 जुलाई 1982। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी दोस्तों आपकी, वो हुई थी 12 जुलाई 1982 में, और इसकी जो मुख्यालय है दोस्तों वो है आपका मुंबई में। ऐसे ही दोस्तों क्या है नेक्स्ट आपका, सिडवी। तो सिडवी की जो दोस्तों आपकी स्थापना थी वो 2 अप्रैल 1990 में हुई थी, और सिडवी का जो मुख्यालय था दोस्तों आपका, वो था आपका लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सिडवी का आपका मुख्यालय, और स्थापना 12 अप्रैल 1990 में। क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट है आपका दोस्तों NSE। तो NSE की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों आपका वो है मुंबई में। NSE, इसकी फुल फॉर्म के बारे में अभी हमें सब डिस्कस करने वाला हूँ, बस एक बार आपको ये चीज़ मैं आपको याद करवा दूँ, फिर हम इसके फुल फॉर्म भी देख लेते हैं कि इनको हम लोग कहते क्या हैं, ठीक है। फिर है आपका BSE। तो BSE की स्थापना हुई थी दोस्तों आपकी 1875 में, और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है आपका, मुंबई में है। किस चीज़ का, BSE का, 1875 में स्थापना और मुख्यालय कहाँ है आपका, मुंबई में। ऐसे है दोस्तों नेक्स्ट आपका NHB। तो NHB की स्थापना जो थी आपकी दोस्तों 9 जुलाई 1988 को हुई थी, और इसका स्थापना 9 जुलाई 1988, और इसकी मुख्यालय कहाँ था आपका दोस्तों, नई दिल्ली में था। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एग्जिम बैंक। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई, कहाँ, मुंबई में इसका क्या है, मुख्यालय है, ठीक है। एग्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों आपका, मुंबई में है। फिर दोस्तों नेक्स्ट है आपका LIC, ठीक है। तो LIC की स्थापना दोस्तों आपकी हुई थी 1 सितंबर 1956 में, बहुत ज़्यादा पुरानी लगभग LIC आपकी बीमा योजना,
LIC की क्या 1 सितंबर 1956 में इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है आपका, मुंबई में है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आपका नेक्स्ट है इसरो, तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे, इसरो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 में, और इसकी जो आपकी मुख्यालय है दोस्तों वो आपकी बेंगलोर या बेंगलुरु में है, ठीक है। ऐसे ही आपका दोस्त क्या है BARC, तो इसकी स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 में मुंबई में, ठीक है। BARC की स्थापना कभी थी, 3 जनवरी 1954, और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों आपका, मुंबई में है, ठीक है। फिर है दोस्तों आपका DRDO, तो DRDO की दोस्तों अगर हम बात करें तो उसकी स्थापना हुई थी दोस्तों आपकी 1958 में, 1958 में, और इसकी जो मुख्यालय है दोस्तों वो है आपकी न्यू दिल्ली में, ठीक है। फिर है आपका UADAI, मतलब आधार कार्ड वगैरह वाला जो होता है ना, उसकी स्थापना हुई थी आपकी 28 जनवरी 2009 में, और इसका जो मुख्यालय दोस्तों आपका है न्यू दिल्ली में। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका BCCI, मतलब वो क्रिकेट वाला जो होती है ना आपकी, क्रिकेट वाली, हाँ वही BCCI है, BCCI, इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में, कहाँ इसका मुख्यालय दोस्तों, मुंबई में है, ठीक है। फिर है आपकी फिक्की, तो फिक्की की आपकी स्थापना 1927 में हुई थी, और इसका जो आपका हेडक्वार्टर या फिर मुख्यालय जो है दोस्तों आपका वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। फिर दोस्तों है आपके इफ्को, तो इफ्को की स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 या 1967 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपको एसोचैम, तो एसोचैम की स्थापना 1921 में हुई थी, और इसका मुख्यालय दोस्तों था आपका न्यू दिल्ली में। तो सभी लोग ने इस वीडियो को देखा लास्ट तक, बहुत ज़रूरी आप सभी लोगों को ये चीज़ याद हो गई होगी, आप एक बार इसको अपने हाथ से लिख कर देख लीजिएगा, बस ब्लैंक पेपर पे आपको ये सभी चीज़ आपको एकदम दोस्तों याद हो जाने वाली है, सभी चीज़ एकदम याद हो जाने वाली है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हम लोगों को फुल फॉर्म पता होना ज़रूरी है, फुल फॉर्म भी हम लोगों को पता होगी तो हम लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो फुल फॉर्म किस किस की है आपकी, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, जैसे आपकी NSE है, BSE है, NHB है, UADAI है, DRDO है, BARC है, ठीक है, इसरो है, और आपकी क्या है, BCCI है। इन सब चीज़ों की हम लोग एक बार फुल फॉर्म भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फुल फॉर्म भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलिए मैं फुल फॉर्म एक बार आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है।